वस्ती जर्मनी में शदीद बारिश और आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में हवाई अड्डे से मजमुई तौर पर तकरीबन 70 परवाजें मंसूख हो गई। रनवे के अतराफ के इलाकों में पानी जमा हो चुका, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई तैयारों फंस गए हैं, जबकि एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक 1000 से ज्यादा मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। फ्रैंकफर्ट के मुख्तलिफ जेरे जमीन रेलवे स्टेशन में भी पानी जमा हो चुका है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, रनवे के अतराफ पर भी पानी जमा हो चुका। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ फ्रैंकफर्ट से अजहर कियानी, बताइएगा। जी, पिछले दो हफ्तों से जर्मनी में बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन कल बुध की शाम शदीद बारिश की वजह से ज़राए नकलो हमल शदीद मुतासर हुए हैं। खासतौर पर जो वस्ती जर्मनी है वहाँ पर शदीद बारिश और आसमानी बिजली गिरने की वजह से फ्रैंकफर्ट के जो हवाई अड्डे पर मजमुई तौर पर तकरीबन, जैसे आपने जिक्र किया, 70 परवाजें जो है वो मनसूख हो चुकी हैं। और मूसलाधार बारिश की वजह से, आसमानी बिजली गिरने की वजह से बुध की रात फ्रैंकफर्ट के हवाई अड्डे पर मुश्किलात पेश हुई हैं। जैसा कि फ्रैंकफर्ट में शदीद बारिशों की वजह से जर्मनी में जो है वो परवाजें भी, मैंने जिक्र किया कि वहां पर काफी परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। शाम तक जो है वो रनवे के इलाकों में बड़ी मकदार में पानी जमा हो गया, जिससे मुसाफिर इन त्यारों में फंस गए और जो उतरे थे। हवाई अड्डे की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी काफी गर्दिश कर रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर कई जो जेरे जमीन रेलवे और मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी काफी जो है वो पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अजहर कियानी, अपडेट करने के लिए।